दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है नेटवर्क। और नेटवर्क से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे, जैसे नेटवर्क क्या होता है और साथ ही जो नेटवर्क के टाइप्स होते हैं जैसे कि लैन, मैन और वैन, ये क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। और तीसरी चीज़ कि यहाँ पे अगर आपने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया होगा तो कहीं ना कहीं जो बुक में नॉलेज दी हुई है वो आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी दिमाग में एक डाउट होगा कि यार रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है, मतलब क्या हमने रियल लाइफ में लैन, मैन और वैन नेटवर्क को देखा है या नहीं देखा और ये होता कैसा है। तो देखते रहिए आप इस वीडियो को, और आज के इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सबसे पहले बात करते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। अगर दोस्तों आप गूगल पे जाओ और सर्च करो कि व्हाट इज नेटवर्क, तो वहां आपको दो तरीके के आंसर मिलेंगे, एक मिलेगा ग्रुप ऑफ पीपल्स और एक मिलेगा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, देखो जो नेटवर्क है वो टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। और इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर ग्रुप में वर्क करती है उसे हम नेटवर्क बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। आप रियल लाइफ में एग्जाम्पल लो जो कि नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल है, कि अगर कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो उसे हम कंपनी का नेटवर्क बोल देते हैं, या फिर अगर जो लोग न्यूज में काम कर रहे होते हैं जो आपने अक्सर सुना होगा उसे हम मीडिया नेटवर्क बोलते हैं। तो इस तरीके से जो नेटवर्क है वो टेक्निकल भी होता है, नॉन टेक्निकल भी होता है, लेकिन दोनों में एक बात होती है कि अगर कोई भी चीज साथ में मिलकर ग्रुप में वर्क करती है तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं, चाहे वो टेलीफोन नेटवर्क हो, कंप्यूटर नेटवर्क हो या फिर कोई और हो। अब इसमें जो टर्म्स आती है जैसे कि जो इसके टाइप्स हो गए लैन, मैन और वैन, इनमें क्या फर्क होता है। बेसिकली जो आपका ये नेटवर्क है इसकी बाउंडेशन कितनी है वो डिसाइड करता है इसका ये टाइप। सबसे पहले बात करते हैं लैन की, जिसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी मदद से आप लगभग 100 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। अब इसको कनेक्ट क्यों करते हैं, इसका फायदा क्या है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग बैंक गए होंगे, बैंक में आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे लगभग 6 से 7 कंप्यूटर होते हैं और वहां पे एक ही प्रिंटर होगा। आप नोटिस करना कोई भी वहां पे जो स्टाफ है अगर वो किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट देता है तो वो उसी एक पार्टिकुलर प्रिंटर से प्रिंट निकलता है। ये चीज हो सकता है आपने कैफे में भी देखी होगी जहां पे 10-12 कंप्यूटर होते हैं और किसी भी कंप्यूटर से अगर आप प्रिंट दोगे तो वो एक पार्टिकुलर प्रिंटर से निकलता है। तो बेसिकली ये पॉसिबल होता है लैन नेटवर्क की मदद से, जिससे सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं उस प्रिंटर से। और दूसरा फायदा इस लैन नेटवर्क की अगर हम बात करें, सपोज अगर एक बड़ी कंपनी, एक बड़ा ऑफिस है जहां पे लगभग 100 स्टाफ काम करता है, 100 कंप्यूटर्स है, अब वहां पे ये तो नहीं होगा कि भाई अगर आपके कंप्यूटर में कोई डेटा है वो डेटा आपको सीनियर को देना है तो आप पहले पेन ड्राइव उसमें डालोगे, डेटा लोगे, फिर अपने सीनियर के पास जाओगे, फिर उसे वो दोगे, ऐसा नहीं होता। वहां पे सारे कंप्यूटर जो है वो एक मेन कंप्यूटर जिसे हम सर्वर बोल सकते हैं उससे कनेक्ट हो जाता है, और उस कंप्यूटर में से किसी भी कंप्यूटर से आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे डेटा को सेंड कर सकते हो या फिर रिसीव कर सकते हो, और ये पॉसिबल होता है लैन नेटवर्क की मदद से। तो बेसिकली अगर आपको 100 कंप्यूटर के एवरेज में अगर बात करें कि उस बाउंडेशन तक अगर हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना है कंप्यूटर्स के बीच में, सो दैट इज कॉल्ड लैन नेटवर्क, जिसका यूज आप प्रिंटर के लिए कर सकते हो या फिर आप डेटा जो ट्रांसफर रिसीव के लिए कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं मैन नेटवर्क की, जिसका मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी बाउंडेशन जो है वो लैन नेटवर्क से ज्यादा होती है क्योंकि ये उससे बड़ा लेवल है। इसके एग्जांपल की बात करते हैं, देखो आप सब लोग जो है वाईफाई का कनेक्शन लगाते हो, जो कि राउटर के थ्रू जो भी आप वायर लेते होंगे, तो वहां आपने नोटिस किया होगा कि हर एक एरिया में एक आईएसपी होता है। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो क्या करता है कि भाई वहां पे जितने भी आसपास में जो घर हो गए उन पे क्या है कि अपने पास से कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वो जो नेटवर्क होता है जिसकी लिमिटेशन लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टेट के अंडर होती है, वो होता है आपका मैन नेटवर्क, जिसे बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो टेलीफोन। आज के टाइम में तो चलो हर कोई मोबाइल यूज कर रहा है, लेकिन पहले के टाइम में आपने देखा होगा जब टेलीफोन यूज होते थे तो वहां पे भी एक जो है वो केबल आती थी और वो केबल आपके टेलीफोन से कनेक्ट होता था। और हर एक स्टेट में, या फिर मैं बात करूं कि हर एक सिटी में, एक विलेज में क्या होता है कि एक प्रॉपर वहां पे प्रोवाइडर होता है जो कि हर एक टेलीफोन के लिए आपको जो है वो केबल प्रोवाइड करता है और जिसके बाद आपको कनेक्शन मिलता है। तो वहां पे भी जो जितने भी टेलीफोन से इंटरस्टेट
वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसके बिहाफ पे जो कॉलिंग है वो पॉसिबल होती है। सेम ऐसे ही होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, जहाँ पे आप ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेते हो एज अ वाईफाई, और वहाँ पे भी क्या होता है कि जो भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो उस एक सर्वर जहाँ से आपको वाईफाई मिल रहा है, जहाँ से आपको इंटरनेट मिल रहा है, उससे कनेक्ट हो जाता है। तो ये हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इससे जो बड़ा लेवल है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, वो है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी लिमिटेशन तो इन दोनों से बहुत ज्यादा है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेट। अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि दुनिया भर में जमीन के नीचे फाइबर ऑप्टिक केबल बिछी हुई है, जिसकी मदद से आप तक इंटरनेट पहुंचता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर लिंक दिया हुआ है, जाओ उस वीडियो को जरूर देखना। तो बेसिकली क्या है कि दुनिया भर में एक केबल बिछी हुई है जिसे कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसकी मदद से आप तक इंटरनेट पहुंचता है। तो वो जो नेटवर्क है जो वर्ल्ड वाइड वहां पे क्रिएट किया हुआ है, वो है आपका वैन, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेट। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको क्लियर हुआ होगा कि नेटवर्क क्या होता है, साथ ही जो नेटवर्क के टाइप्स होते हैं जैसे कि लैन, मैन और वैन, ये क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही एक कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।